लाखों लाख लोगों के जीवन को नई दिशा देने वाले, मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण देश में आध्यात्मिकता की लहर पैदा करने वाले, मनुष्य के मन में सद्गुणों का विकास करने वाले, अध्यात्म की तरफ प्रेरित करने वाले, सबको पुत्रवत स्नेह करने वाले, कष्टों और कठिनाइयों में दिशा दिखाने वाले, सहारा देने वाले दद्दाजी का, परम सिद्धे संत दद्दाजी का देवलोक गमन हो गया। उनका भौतिक शरीर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से एक गुरु के रूप में वो कहीं नहीं गए, वो हमारे बीच में ही है। जिस दिन गुरु मां का निधन हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। उनकी इच्छा से ही उन्होंने भौतिक शरीर छोड़ा है, लेकिन वे सदैव हम पर आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। जब भी अंधकार होगा, अंधेरा होगा, तो प्रकाश पुंज बन के हमें राह दिखाएंगे। जब भी सहारे की जरूरत होगी, वो सबका सहारा बनेंगे, सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश और भक्ति का विश्वास पैदा करते हुए वो हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। उनके चरणों में प्रणाम। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, उनके भौतिक शरीर का, क्योंकि दद्दा जी तो सदैव हमारे बीच में ही है, लेकिन भौतिक शरीर का जो संस्कार होगा, तो राजकीय सम्मान के साथ होगा, उनके चरणों में प्रणाम।